नमस्कार। मैं रहूं ना रहूं मेरा पता रह जाएगा, मैं रहूं ना रहूं मेरा पता रह जाएगा, शाख पे अगर एक भी पत्ता हरा रह जाएगा। बो रहा हूं बीज कुछ एहसासात के मैं यहाँ, बो रहा हूं बीज कुछ एहसासात के मैं यहाँ, खुशबुओं का एक अनोखा सिलसिला रह जाएगा। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में इस वक्त आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, ही इज अ स्टोरी टेलर, दास्तांगो हैं, कलाकार हैं, अदाकार हैं, राइटर हैं, बहुत कुछ हैं। तो मिलते हैं हमारी आज की शख्सियत से, सैयद साहिल आगा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुश आप। बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया। जरा नवाजी, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। तमाम सामईन को आदाब। जी, तो मेरा ये सोचना है कि दादी नानी की जो कहानियां हम बचपन में सुना करते थे, आज की अगर नई पीढ़ी की बात करें तो वो कहीं खो सी गई हैं, और आपने दास्तांगोई के जरिए उन कहानियों को वापस लाने की एक नायाब कोशिश की है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, उसकी दो वजह हैं। एक तो वो दादी नानियां खो गई हैं। दादी नानियां तो बिल्कुल आज भी हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगियों में इस तरह मसरूफ हो गई हैं कि वो कहानियों का फन, जो तकरीबन हमारी नस्ल ने और हमसे पहली नस्ल ने, सबने दादी से, नानियों से दास्तानें सुनी हैं, कहानियां सुनी हैं। और वो कहानियां जाया नहीं थी, उनके अंदर हकायक थी, मतलब सीखने की बातें थी, वो जी जिंदगी का सबक थी कि बिल्कुल जो इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है, उसकी कभी हार नहीं होती, या सच्चाई की हमेशा जीत होती है, लगन की हमेशा जीत होती है। वो तमाम बातें वो सीख जिंदगी की थी कि जब जी बच्चा जिंदगी में चलना सीखता है, मुश्किल पेचो खम को देखता है, तो वो कहानियां उसे याद आती हैं। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ इस मामले में। मेरे नाना थे सरवत हुसैन मेरठी, मशहूर शायर राइटर। तो मेरी नानी से मैंने बचपन में कहानियां सुनी, बहुत सारी सुनी दास्तानें। और हमारा ताल्लुक जो है ददियाली, वो अल्लामा अखलाक हुसैन देहलवी तक जाता है। जी तो मेरे वालिद खुद एक जर्नलिस्ट हैं, मंसूर आगा, उनसे हमने सुनी बाकायदा तौर पे। अब भी वो हमें सुनाते हैं और उसमें नसीहत है, बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने के लिए हैं। मेरी वालिदा, मेरी मदर मेहर अफशा कॉलमिस्ट हैं और वो कहानियां लिखती हैं, और हर कहानी में जिंदगी की सीख है। या मेरी खाला निगार अजीम, वो भी नॉवेलिस्ट हैं। तो इस मामले में मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि इतनी सारी कहानियां सुनने को मिली बचपन से, और शायद मेरे दास्तान को बनने की एक बड़ी वजह, सबब, क्योंकि वो कहानियां सुनी और उनमें ऐसी सीख और मोहब्बत की बातें थी, गंगा यमुना तहजीब थी, कि दिल करता था कि सबको बताएं, सबको सुनाएं, सब लोग सुने। और खास तौर से जैसे मैंने जिक्र किया अल्लामा अखलाक हुसैन देहलवी, तो जब वो तकसीम का जिक्र करते थे, उसकी दास्तान सुनाते थे, तो मुझे याद है बड़ा मजमा होता था उसको सुनने के लिए। और वो राइटर थे, वो जब सुनाते थे तो ये एहसास बिल्कुल नजरों के सामने होता था कि वो दौर। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूं। जी तकसीम का जब वक्त आया तो वो एक दर्द का एक अलमिया, और उससे गुजरने के बाद इंसान के जहन में दो मिजाज बनते हैं। एक कि मेरे साथ इसने बुरा किया, इन लोगों ने बुरा किया, मैं इनसे बदला लूं, और दूसरा कि मेरे साथ ये बुरा हुआ, ये बुरा किसी के साथ ना हो, उसके साथ भी बुरा हुआ था, ये बुराई किसी तक ना पहुंचे। और इंसान इस जद्दोजहद में लग जाता है कि सब लोग साथ रहें, मोहब्बत से, अपनाइयत से रहें। और इसकी जो दास्तानें हैं, जो कहानियां हैं, जो वाकयात हैं, वो दिल करता था कि लोगों को जब भी बताएं, और आज भी यही कैफियत है। और यहीं से हम दास्तान गोई तक पहुंचे। तो दादी नानी की कहानियां इतनी अहम है कि वो कई बार इंसान, जो शख्स है, उसकी शख्सियत बनने में मदद करती हैं, और फिर वो काजल सूरी तक पहुंच जाता है शख्सियत में, कि लोग उसे सुने और कहें। शुक्रिया 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 जी। जो आपका सफर रहा है, आप एक कलाकार भी रहे, कलाकार तो खैर हैं ही आप,
अदाकार जो एक्टिंग की अगर हम बात करते हैं, देखिए उससे पहले जो आपका दास्तान गो बनने तक का जो सफर रहा है, आप राइटर भी हैं, आप स्टोरी टेलर तो हैं ही, आपने बाकायदा ट्रेनिंग ली है थिएटर की, तो क्या कहेंगे जो आपका सफर रहा है उसके बारे में मैं चाहूंगी थोड़ा तफसील से हमें बताएं। बहुत ही दिलचस्प रहा। इब्तदा में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर एक्टर अखिलेश खन्ना जी के साथ में उनके सानिध्य में सीखने को मिला। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डीन शांतनु बोस जी के साथ रहा कुछ दिन, और मेरे गुरु जिनसे मैंने दास्तान गोई या स्टोरी टेलिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। और मुझे लगता है कि आज जो एक थोड़ी सी उंदगी नजर आती है वो अजय कुमार जी हैं, गायन कथा वाचन के वाहिद आर्टिस्ट हैं हिंदुस्तान में। उनके सानिध्य में मैंने जो सीखा वो आज भी मुझे याद आता है। मैंने थिएटर किया, श्री राम सेंटर में रहा, थिएटर अब भी करता हूँ, अब भी सोचता हूँ कि उससे सीखता रहूँ, जुड़ा रहूँ। तो थिएटर तो इन लोगों के साथ में मैंने किया, बहुत सारे लोग थे जिनके साथ में सीखा, काम किया, लेकिन ये तीन मुझे खास तौर से मेरे उस्ताद हैं, मेरे गुरु हैं। अजय कुमार जी उसमें बहुत खास हैं क्योंकि वो एक गायन कथा वाचक हैं और बाहिर हैं हिंदुस्तान में, जिनसे मैंने सीखा। दास्तान को बनने के सफर का आपने जिक्र किया, तो कॉलेज के वक्त में जब पहली दास्तान सुनाई, और मुझे हमेशा याद आता है हजरत अमीर खुसरो का एक वाकया, एक किस्सा। हजरत अमीर खुसरो जिन्होंने दास्तान को ही फन को इजाद किया, इन्वेंट किया, उनका एक दोस्त था ताजुद्दीन बाबर। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ था, वो बताएंगे आपको, एक किस्सा सुना है। उनका दोस्त था ताजुद्दीन बाबर, और हजरत अमीर खुसरो जो बात कहते, जो शायरी करते, उनके दोस्त ने उन्हें जमा कर एक दीवान शायर किया, शाया किया, दीवान यानी कि कविताओं का संग्रह। हजरत अमीर खुसरो ने उसे देखा तो कहा, तुमने ये क्या हिमाकत की? अरे ये तमाम बचपन की बातें थी, अल्लड़ता खेलियां थी भाई, लोग सुनेंगे तो मजाक उड़ाएंगे। इसे सुन उनके दोस्त ताजुद्दीन बाबर ने कहा, खुसरो दो किस्म के लोग हैं, एक अकलमंद, अकलमंद तुम्हारी इस कोशिश को सराहेंगे, तुम्हें दाद देंगे कि तुमने इस उम्र में ये कारनामा किया, और जो बेवकूफ हैं वो यकीनन कमियां निकालेंगे, खामियां निकालेंगे, और बेवकूफों से डरना तो अपने आप में बेवकूफी है। मेरे दोस्त तुम इस दीवान को एक बार शाया होने तो दो, देखो दुनिया कैसे इन्हें अपनी आंखों और माथे पे सजाती है। वो दीवान तोहफतुस्सिग्र जब वो हिंदुस्तान में लोगों के हाथ आया तो यूं हुआ कि उस वक्त का बादशाह मलिक छज्जू ने हजरत अमीर खुसरो को बुलाया और कहा, हमें मालूम हुआ है कि तुम्हारे पास कीमती खजाना है, और तुम जानते हो कि हुकूमत से खजाने को छुपाना किस कदर बड़ा जुर्म है। हुजूर मेरे पास क्या है, मैं तो, हुजूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। उसरो तुम्हारे दिल में जो शायरी का खजाना है, जो खूबसूरत किस्से हैं, वो हमारे हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती हैं। कहो खुसरो कुछ कहो हमारे दरबार में। हुजूर मैं तो बस ऐसे ही जुमले जोड़ बातों से बातें बनाता हूँ। अब देखिए कोई शायरी थोड़ी ना है। सुबह मेरे जहन में एक सत्र आई, वो अभी तक मुकम्मल ना हो सकी, कि मैंने सुबह से पूछा तेरा सूरज कहाँ है। हुजूर ये मेरे जहन में आया और ये मुकम्मल ही ना हुआ। दरबार में बैठे शायरों ने, लेखकों ने, अदीबों ने इसमें लफ्ज से लफ्ज मिलाए मगर शेर मुकम्मल ना हो सका। और ये हुजूर ये कोई शायरी है, मैंने सुबह से पूछा तुम्हारा सूरज कहाँ है, भाई ये क्या बात हुई। देर गुजरी और हजरत अमीर खुसरो ने कहा, मैंने सुबह से पूछा तेरा सूरज कहाँ है, और आसमान ने मुझे मलिक छज्जू की सूरत दिखा दी। बादशाह का नाम मलिक छज्जू, और वो बहुत खुश हुआ अपनी तारीफ सुन के, और उसने कहा कि आज से तुम दरबारी शायर, रोज दरबार में आओ और दास्तानें सुनाओ। और हिंदुस्तान की तारीख में यह दौर कि दिल्ली के बादशाह बदलते रहे मगर हजरत अमीर खुसरो हमेशा दरबारी शायर, दरबारी रहे। हमारे साथ भी यही हुआ था। कॉलेज में जब पढ़ रहे थे तो हमारे उस्ताद ने, जैसे सबको बच्चों को मिलता है कि
आपने जो पढ़ा है, हिस्ट्री मेरे पास में थी, अरबिक हिस्ट्री, तो उन्होंने कहा कि जाओ इस पे कुछ लिख के लाओ, कोई नोट्स वगैरह बनाइए और सुनाइए। तो मैंने एक दास्तान लिखी अब्दुल रहमान स्पेन के फाते, वो मैंने जब क्लास में सुनाई तो टीचर्स ने कहा कि भाई ये तो नहायत ही वाहियात थी, और ऐसा लगा कि आप दास्तान सुना रहे हैं, कोई नॉवेल सुना रहे हैं, ये तो वो पेपर ही नहीं था। जो जिस तरह पढ़ा जाता है हिस्ट्री के, पेपर पढ़ने की एक तरीका है। अब मेरा दिल बड़ा मायूस हुआ, लेकिन दोस्तों ने कहा बाहर आते ही कि भाई वो दास्तान फिर से सुनाओ, वो बड़ी अच्छी लगी। और जब हमारा फेयरवेल आया तो मेरे उन्हीं उस्तादों ने बुलाया और कहा कि फेयरवेल में तुम वही दास्तान सुनाओ जो तुमने क्लास में सुनाई थी। बात मेरे उस्तादों ने मेरे कॉलेज में, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मेरा ताल्लुक है, जो तरबियत दी, फिर वहां से जिंदगी में हौसला मिला। और ये याद आता है कि कई बार दोस्त जो मजाक में दिल लगते हैं वो जिंदगी में कितना अहम होता है, और कई बार लोग भेजा दिल तोड़ देते हैं, कई बार वो सबब भी बहुत अहम होता है इंसान के टूटने और बिखरने का। तो हमारा दास्तान गो बनने का सफर यूं शुरू हुआ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हम दास्तान क्या को कहलाते गए और हमने भी खुद को कहना शुरू कर दिया। अभी सीखने के दौर में है और दुआ है कि हम दास्तान को खो जाए। क्या बात, बहुत खूबसूरत अदायगी, इतना खूबसूरत अंदाज, बहुत खूबसूरत। हमारे साथ बहुत से एस्टीम्ड व्यूअर जुड़ चुके हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी हमारे साथ पंजाब से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लिखते हैं वाह साहिल जी। दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन सिंगर, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं नाइस वॉइस मॉड्यूलेशन, क्या बात। काबू की खन्ना हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं लवली। वेलकम जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, असमा रहमान जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखती हैं जबरदस्त। जमीर अशाई साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार, जम्मू कश्मीर में एक नाम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्याम सुंदर कपूर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार, राइटर हैं, अपने आप में एक शख्सियत हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पम्मी सिंधु जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बीर मुजाहिद जी कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, दूरदर्शन केंद्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं। सतीश आनंद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन रंगकर्मी, एक बहुत बड़ा नाम रंगमंच के क्षेत्र में, बहुत बहुत स्वागत। मनीष चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर हैं और आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हुई हैं। मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दलदीप लंगू साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल टिक्कू हमारे साथ जुड़े हैं, साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं अभिनय के लिए, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी का जितने भी तमाम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, तहे दिल से उनका शुक्रिया कहना चाहूंगी। बहुत ही खास बात जो आपको देखकर वाकई मजा आ गया, जो आज जिस तरह से आपने, क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, लफ्ज नहीं है मेरे पास। बाटिया सर बहुत खूबसूरत लिखते हैं, आपकी आवाज में कशिश है बेटा, आपके लिए लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि बॉडी लैंग्वेज की, अगर मेरे पास बहुत सवाल है आपसे पूछने के लिए, लेकिन मैं पहले ये पूछूंगी बॉडी लैंग्वेज की, अगर हम बात करें जो एक अहम रोल अदा करते हैं थिएटर में, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट की बात करें, वॉइस मॉड्यूलेशन की बात करें, डिक्शन की बात करें, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं थिएटर के लिए, कलाकार के लिए। मैं इसको स्टोरी टेलिंग में, जिस तरह दास्तान गोई में आपने बहुत खूबसूरत, क्या कहेंगे इन सबको, क्योंकि बॉडी मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज किस तरह से आप करते हैं इसमें, क्योंकि आप एक जगह बैठे रहते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने दिखाया कमाल था, लेकिन फिर भी मैं नई पीढ़ी के लिए जानना चाहूंगी कि आप क्या कहेंगे इस बारे में। तमाम फनून का गुलदस्ता है दास्तान गोई। मिसाल के तौर पे बॉडी मूवमेंट जो है वो हम कथक से भी उसका अंदाज लेते हैं। जब हम कहते हैं कि जी वो सजी, उसने अपने बाल संवारे और कानों में जो बाली पहनी, जो घूंघट सजा वो बैठी थी, कि जो किसी ने कहा तुम्हारे पियावर आए, उसने वाह, देखा शर्माई और मुस्कुराई। तो ये कथक का अंग है। उसके बाद जो छाव है, अब छाव में हम ऊपर के जो मूवमेंट है वो ले लेते हैं हम बड़े बड़े, या पारसी थिएटर के जो अंग थे, जैसे जी मिसाल के तौर पर अगर उसको कहना है कि फिर उसने कमान में जो भरा तीर, तो अब हमें इसको पारसी में ले जाना पड़ेगा क्योंकि हम दिखा नहीं पाएंगे कथक के अंग में। तो बॉडी मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो दास्तान गो है
उसके पास में अपने हाथ, चेहरा, जिस्म और आवाज ही है, और हम बैठ के दास्तान सुनाते हैं, ना किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, ना घूमते फिरते हैं स्टेज के ऊपर। तो आप हैं और आप ही हैं और फिर सुनने क्या वाले हैं। बात। तो आप जिन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल करना ही इस आर्ट की खूबसूरती है, दास्तान गोई का हुस्न है। बॉडी मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, वॉइस मॉड्यूलेशन तो थिएटर में जो भी लोग करते हैं वो जरूर सीखते हैं कि जो भी करेक्टर है उसकी क्या आवाज होगी, क्या अंदाज होगा, क्या उम्र है, क्या उसका पसे मंजर है, बैकग्राउंड, उसके हिसाब से हम आवाजें तैयार करते हैं। अब जो एक कलाकार कोई भी है थिएटर का, उसने 8-10 चीजें तो की ही होती है थिएटर में, अलग अलग करेक्टर, अलग अलग किरदार, तो उन सबको याद रखिए और उनको बस एक साथ परफॉर्म कर दीजिए। तो वॉइस मॉड्यूलेशन करना तो इतना आसान है, समझना इसे, करने के लिए फिर ये है कि वो रियाज है, और रियाज जो लफ्ज है वो रियाजत है, और रियाजत जो है वो इबादत है। इबादत साधना है कि इंसान साधे, कि साधे हम खुद को, सो प्रभु मिल जाए, जो प्रभु मिल जाए तो जग गुल गुलशन और गुलफाम हो जाए। तो ये साधना है, उसको इंसान करता रहता है, उसको आवाज पे उसकी कमांड होती रहती है। जो मैंने आपको एक टुकड़ा सुनाया दास्तान हजरत अमीर खुसरो, उसके अंदर 12 बादशाह आते हैं, 12 के 12 उसके अंदर बादशाह हैं और बाकी किरदार अलग हैं। तो जब हम उसको परफॉर्म कर रहे थे तो हमारे लिए ये एक बड़ा इम्तिहान था कि 12 के 12 बादशाह अलग महसूस हों सुनने वालों को, कि ये 12 अलग अलग बादशाह हैं, ये ना लगे कि ये हमने फिर दरबारी हैं। तो जो अपने गुरुओं से सानिध्य में जो सीखा उसका इस्तेमाल किया, और वो अलग अलग आवाजें, आसान तरीका यही कि करेक्टर का जो भी बैकग्राउंड है उसे समझिए, उस हिसाब से अपनी आवाजों को मॉड्यूलेट कीजिए, और मजा आता है उसके अंदर सुनने वालों को, जब वो एक इंसान के अंदर जो दास्तान को एक किरदार है उसके अंदर मुख्तलिफ किरदारों को देखते हैं, और आखिर में देखते हैं कि अरे ये तो यही है सुनाने वाला। डिक्शन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और लफ्ज को समझना और उसके क्या मायने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे लफ्ज है खुदा, खुदा यानी कि ईश्वर, और एक लफ्ज है उसके साथ का खुदा, तो खुदा जैसे जी गड्ढा खुदावा होता है, तो अब आप समझ लीजिए कि वो खुदा की बात कर रहा है। अब लेकिन उसको मालूम नहीं कि वो उसे मात्रा कहाँ लगानी है, नुक्ता कहाँ लगाना है। नुक्ता कहाँ लगाना है। तो मैं जो, अब वो है खुदा का जिक्र है, कि मैं जो खुदा को ढूंढने निकला तो हर जगह खुदा ही खुदा वाह, पाया, कि खुदा की राह में निकला था तुम्हें क्या बताऊं, मुझे हर जगह खुदा नजर आया, कि खुदा का अंजाम यूं हुआ कि आखिर मैं उस तक पहुंच गया, और मैंने उससे पहुंच कहा, अरे खुदा तू तो मुझे यहाँ पाया, मैंने तुझे कहाँ पर्वतों में, कहाँ जंगलों में ढूंढा, तू मुझे कहीं ना मिला, तू तो मेरे दिल में, मेरी चाह में, मेरी नफ्स में खुदा ही खुदा पाया, कि जहां देखा हमने खुदा पाया। तो अब वो खुदा को उसने खुद डाला, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि नुक्ता कहाँ लगना है। तो एक नुक्ता आप लगाइए खुदा होता है, दूसरा नुक्ता आप हटाएं तो वो खुदा जुदा हो जाता है। तो खुदा को जुदा ना करो, उसको उसके साथ जोड़ के रखें, और यही रियाज है। किसी को भी अगर फनकार बनना है, किसी को मौसीकार बनना है, तो वो सुरों को साधेगा, सरगम करेगा, बॉक्सिंग वाले हैं वो 1-2-1 करेंगे, जो रेडियो वाले हैं वो अपनी आवाज के ऊपर काम करेंगे। तो ये तमाम उसके हिस्सा हैं फनून के, कि किसी को भी अगर फनकार मुकम्मल तौर पे बनना है तो वो इनको उसका हिस्सा जाने, इसका रियाज करे, और रियाज करेगा तो लाजमी तौर पे आएगा। कि कबीर का है, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, के रस्सी आवत जावत से सिल पर पड़े निशान। तो इंसान अभ्यास करता है तो वो हासिल कर ही लेता है मंजिल को। बहुत सारी बातें हैं वल्लाह इस क्या प्रसंग बात, पर। क्या बात, बहुत खूबसूरत। अभी हम आपसे और सुनेंगे। हमारे साथ शहजाद हुसैन साहब कश्मीर से जुड़े हैं, मीडिया कर्मी हैं, रंगमंच टेलीविजन में एक बड़ा नाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। काबू की जुड़ी है हमारे साथ, शुक्रिया। जमीर शाही साहब लिखते हैं कश्मीर से, बहुत अच्छा लग रहा है सैयद साहिल जी को देखकर और इनकी आवाज सुनकर। माशाल्लाह बहुत खूब, जबरदस्त टैलेंट के मालिक हैं, अल्लाह सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जमीर साहब। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी,
वाकई बहुत खूबसूरत आपने लिखा है, रियाज इबादत है। वाकई जिस तरह से आगा साहब ने कहा कि रियाज इबादत है, वाकई कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट हमें ऊपर वाले से मिलाता है। शबीर मुजाहिद साहब कश्मीर से लिखते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वॉचिंग एंड लिस्निंग ए परफेक्ट आर्टिस्ट, आई एम एंजॉइंग कीप इट अप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस इतने खूबसूरत कमेंट का। असमा रैना लिखती हैं, बहुत शुक्रिया सैयद साहिल आगा साहब बेहद के इस बेहद उम्दा सेशन के लिए। शहजाद साहब लिखते हैं, बहुत खूब। अशोक भौमिक साहब लिखते हैं, वाह क्या बात शहजाद हुसैन, वाह। पूनम सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं, लिखती हैं, बहुत सही और जरूरी जानकारी दी आपने आपने आपको मेरा प्रणाम, बहुत शुक्रिया। सतीश आनंद साहब, जो जिस तरह से मैंने कहा एक नाम, बहुत बड़ा नाम रंगमंच के क्षेत्र का, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है, लिखते हैं बहुत बढ़िया, पंडवानी में भी कथा गायन गायक गायन के साथ साथ अभिनय भी करता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सरला मेहता लिखती हैं कि आपकी आवाज में बहुत कशिश है। लवली चंद्रा जी आकाशवाणी के एक ग्रेट आर्टिस्ट और जम्मू कश्मीर में क्लासिकल एक बड़ा नाम क्लासिकल मौसीकी के क्षेत्र में, बहुत बहुत शुक्रिया। भरत सोपोरी साहब कश्मीर से लिखते हैं, बहुत खूब रियाज इबादत है, बहुत खूब। नीरज शर्मा सर आकाशवाणी के एक लेजेंडरी कलाकार लिखते हैं कि बहुत बहुत खूबसूरत बात। जोगिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं बहुत खूबसूरत। राज नारायण दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं बहुत खूब। जी अब मैं चाहूंगी आप हमें कुछ सुनाए, क्योंकि मेरी लालच में इंतजार नहीं कर सकती, सवाल है मेरे पास, लेकिन इतना खूबसूरत आप बोल रहे हैं, मैं क्या कहूँ, मेरे पास लफ्ज नहीं। सुनिए तो शेर, और ये आज जितने लोगों को अच्छा लग रहा है, जो लोग देख रहे हैं, उसके ताल्लुक से शेर है कि जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। तो बहुत वाह बहुत शुक्रिया काजल सूरी जी के आप यहाँ तक लेके आए, इन लोगों ने देखा और इनकी ये चाहत मोहब्बत और नवाजिश, तो ये शुक्रिया आपका है, करम फरमाई आपकी है। जी बहुत सारी चीजें हैं सुनाने के लिए। अब जो बातें थीं जो हमें बेचैन करती थीं सुनाने के लिए, जैसे आपको दास्तानों में जिंदगी की हर बात मिलेगी, हर रास्ता मिलेगा, हर परेशानी का हल मिलेगा। एक छोटी सी बात, आजकल बहुत हमारे यहाँ पॉल्यूशन और आलूदगी को लेके जो फिजा गर्म है, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया का एक वाकया है कि आप यमुना के किनारे एक छोटी सी कुटिया में आराम फरमाते, उस वक्त के एक अमीर कबीर शख्स ने देखा कि तारीख कहती है वो बादशाह बलबन का वजीर था। उसने देखा, कहा, हुजूर मैं आपके लिए एक पक्की इमारत बनाया चाहता हूं। हजरत निजामुद्दीन औलिया अजोदन गए अपने पीर के पास, जो वापस लौटे तो देखा एक पक्की इमारत चिल्ला शरीफ कायम। आपने देखा कि वहां फकत एक इमली का पेड़ बचा है, बाकी तमाम पेड़ उसने कलम कर डाले, वो पेड़ इमली का जिसके नीचे हजरत निजामुद्दीन औलिया आराम फरमाते थे, वास फरमाते थे, दुनिया को मोहब्बत की बात सुनाते थे। आपने कहा, देखो मैं चंद रोज को आया हूँ, फिर सफर पे जाता हूँ, तुमसे एक गुजारिश करता हूँ, इस पेड़ को यूं ही रहने देना। अमीर कबीर ने अर्ज किया, हुजूर मैं तो यहाँ एक पक्का फर्श बनाया चाहता हूँ कि वो खूबसूरत लगेगा, आपके आने जाने वालों को सहूलत होगी, कि रंग होगी, कव्वाली होगा, लोगों की बैठक होगी। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने सर झुकाया और अर्ज किया कि बस यूं ना करना। और आप एक सफर पे गए, जब वापस लौटे आपने देखा कि पक्का चबूतरा तैयार है, और वो नीम का दरख्त वहां से नदारद है, वो इमली का दरख्त वहां से नदारत है। आप बैठे, कव्वालियां हुई, रंग हुआ, वो अमीर कबीर उठा, उस पे यूं हाल आया, वो झूमा कि वो वहीं जा गिरा, और उसकी रूह इस दुनिया से परवाज की। तमाम लोग खामोश बैठे थे, इस मंजर को देखते थे कि आखिर ये क्या हुआ। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि इसने भेजा इतने दरख्तों की जाने ली, उनको हलाक किया, उनको खाक किया, जो यूं बेजुबानों की जान लेगा वो तो भला कैसे खुद रूह परवर रह पाएगा, जिंदा रह पाएगा, कि जिसने जाने ली बेजुबानों की,
कब तक इस जहां में लहलाएगा, इसका अंजाम तो यही होना था। अब ये बात उस जमाने में हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कही कही थी, जब दिल्ली में हर जगह पेड़ ही पेड़ थे, हरियाली ही हरियाली थी। तो हर मौके के लिए आपको एक दास्तान, कोई किस्सा जरूर मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना मिले। 100 से ज्यादा मेरी दास्तान है जो मैंने सुनाई है, और हजारों दास्तान है, लाखों दास्तान है जो भी सुनानी बाकी है। और इब्तदा में जो आपने शेर पढ़ा था वो हकीकत है, और कई बार हमें लगता है कि 1 2 3 4 5 नहीं, कई जन्म लेने होंगे जब ये दास्तान लोगों तक कम से कम एक बार तो सुनाई दी जाएंगी। आप कहेंगी मैं और कुछ चीजें सुनाऊंगा, आप कुछ पूछना चाहें। बिल्कुल, सुनते ही सुनना ही चाह रहे हैं आपको। आप इतना खूबसूरत बोल रहे हैं, मजा आ गया। इट्स सो मिसमराइजिंग, इट्स सो मिसमराइजिंग। इंद्रजीत सिंह भाटिया सर बोल रहे हैं, बहुत दिनों बाद एक और खूबसूरत खुशबू का एहसास हो रहा है। वाकई सर, बिल्कुल सही कहा आपने। जोगिंदर सिंह जी लिख रहे हैं, बहुत खूब। अस्मा रहमान जी लिख रही हैं, बहुत खूब। पूनम सिंह जी लिख रही हैं, बहुत खूब। काबू ही खन्ना, बहुत खूबसूरत आपने कमेंट लिखा है, बहुत शुक्रिया। युवराज शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हैं, बेहद कमाल के रंगकर्मी, इनके लिए मैं क्या कहूँ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, बहुत 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 कमाल के रंगकर्मी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी लिखते हैं, बहुत खूबसूरत दास्तां। बाकी जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी। जी हम और जरूर सुनेंगे साहिल साहब से, लेकिन कुछ सवाल है जो मैं उनसे जरूर पूछना चाहूंगी। पहले मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से हम जब थिएटर करते हैं, एक ऑडिटोरियम में जब हम नाटक करते हैं, तो हमारे से बहुत सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं, चाहे वो सेट हो, आपका मेकअप हो, बहुत सारी चीजें, आपके कॉस्ट्यूम्स हो, आप कि को एक्टर हो, बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन दास्तानगोई में ऐसा नहीं होता, सिंपल सा सेट होता है, एक तरह की आपकी जो कॉस्ट्यूम होती है, तो कितना चैलेंजिंग हो जाता है ये। इसी का तो मजा है कि जिंदगी अगर आसान हो तो दुश्वार हो जाए, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तो क्या बात है गालिब साहब। जी शुक्रिया। तो ये यही मजा है इसका, और यही इसका इम्तिहान है। मैं आपसे अर्ज करूं, क्योंकि ये फन इतना खूबसूरत है, और आपने आर्ट के बारे में पूछा है, मैं अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आर्ट जी फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ। अहमदाबाद में हमारा एक शो था, तकरीबन 4,000 ऑडियंस थी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की दास्तान सुना रहे थे, बहुत ज्यादा ताइद के साथ। इंतजामिया ने कहा था कि 40 मिनट से ज्यादा ना हो, और 40 मिनट की जब दास्तान मुकम्मल हुई तो ऑडियंस खड़ी हो गई, उन्होंने कहा कि हमें और सुनना है। और उसके बाद में 1.5 घंटे का वो पूरी मेरी परफॉर्मेंस रही जो मैंने सुनाई, वो यूट्यूब पे है, आप लोग देख सकते हैं। या फिर हमारा एक शो हुआ लखनऊ में, जहां हमने मीर की दास्तान सुनाई, 3,000 का ऑडिटोरियम और 3,200 लोग ऑडिटोरियम के अंदर आ गए, वहां जगह नहीं थी बैठने की। या फिर त्यागराज स्टेडियम के अंदर मेरी दास्तान हुई। अब आप ये सोचिए कि आप स्टेडियम में हैं, जो बात आपने अर्ज की मैं उसे मुकम्मल करूंगा, कि आप और चारों तरफ लोग बैठे हुए, वहां बैठने की जगह, वो वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, अभी लोग सोचे कि लफाजी से काम ले रहे हैं, तो लोग मौजूद हैं और दास्तान को दास्तान सुना रहा है और लोग सुन रहे हैं। दास्तान मुकम्मल होती है, दास्तान को खड़ा होता है और ऑडियंस खड़ी हो जाती है, तालियां बजाती है इस फन की खूबसूरती के लिए। और वहीं पे एहसास होता है कि हमारा जो लोक कलाएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो हमारे ट्रेडिशन है, वो कितने रिच हैं, कितने रिच हैं, कि हम सिर्फ वाहिद एक लोक कलाकार स्टेज पे आके बैठता है, मंच पे बैठता है, वो अपनी कला प्रस्तुत करता है और लोग उसे दिल लगा के सुनते हैं। और जायका इसमें इस बात का है कि जब हम दास्तान सुनाना शुरू करते हैं, तो जो आप बहुत अच्छा स्टेज बनाइए, बहुत अच्छी कॉस्ट्यूम पहनिए, बहुत कीमती मेकअप कीजिए, बहुत अच्छी आपकी ज्वेलरी हो स्टेज के ऊपर, लेकिन वो सारी चीजें थोड़ी देर के लिए हैं, कि अगर आप एक्ट ही अच्छा नहीं कर पाएंगे तो वो सब चीजें सिर्फ रखी रह जाएंगी और ऑडियंस बोर होके चली जाएगी। बजुज इसके, जब एक फनकार दास्तान को बैठता है, कोई भी कहानीकार जो है, जैसे व्यासा था पुराना हमारे, या पांडुनी का उन्होंने जिक्र किया, या कथावाचन है, तमाम जितने लोक कलाकार हैं, एकाकी कलाएं हैं, वो स्टेज के ऊपर बैठते हैं, जब वो अपनी कहानी सुनाते हैं तो फिर लोग उस कहानी के साथ में बंध जाते हैं और उस कहानीकार से एक रिश्ता कायम कर लेते हैं उस कहानी के जरिए, और वो रिश्ता ऐसा है कि लोग उसको आखिरी दम तक फिर बैठते हैं, निभाते हैं, सुनते हैं। और वो एक साधना है, जब कोई भी कलाकार, आप वाकिफ हैं कलाकारों से, वो तमाम इस बात को कहेंगे कि
कि जब हम स्टेज पे जाते हैं, जैसे क्लासिकल गाने वाले हैं, शास्त्रीय गायन, या जो कथक करने वाले हैं, या जो भी नृत्य, हम जब स्टेज पे जाते हैं तो थोड़ी देर तक तो हम होते हैं, थोड़ी देर तक, और उसके बाद में हम नहीं रहते। इंसान की रूह जो है उस खुदा में मिल जाती है, और फिर वो इबादत होती है, वो रियाजत होती है। तमाम बीमारियां, परेशानियां, इबादत की यही तो पहचान है कि आदमी जब इबादत करने बैठता है, उस खुदा को, उस ईश्वर को याद करता है, वाह तो उसकी लौ में खो वाह, जाता है। और जब आप इबादत में आपकी हाजिरी हो गई, तो तमाम लोग आपके जरिए उस रब को, इस ईश्वर को देखते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसे जानते हैं, और उसकी रूहानियत को अपने दिल और अपने सीने में होता आता जानते हैं। और यही वजह है कि रूहानियत जब एक बार तारी होती है और उसका नूर बिखरता है, तो वो इस तरह आलम कि फिर इंसान देर तक बैठा रहता है और देखता रहता है और सुनता रहता है। समझ में कुछ नहीं आ रहा आदमी कहेगा, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो ये हुआ है मेरे साथ। रशिया में मेरा शो था, तो एक साहब आए, उन्होंने आके कहा कि मुझे समझ में ज्यादा नहीं आया, लेकिन अच्छा बहुत लगा। उससे मुझे याद आया कि आप जो कुछ कर रहे थे। तो ये हमारी लोक कला है, हमारा देश इतना खूबसूरत है, इसकी संस्कृति, इसकी खूबी है ये। पता नहीं मैं सही जवाब दे सका नहीं दे सका, बिल्कुल लेकिन इस सही, तरह है। कितना खूबसूरत बोल रहे हैं आप, एक एक बात बहुत सही है। वाकई ये इबादत है जो हमें ऊपर वाले से मिलाता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत और बिल्कुल सही कहा आपने। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, कोई ऐसी सुनहरी याद, कोई खास बात जो आप शेयर करना चाहें, बहुत सारी खासतौर पे जो बातें आपने हैं। बाहर। जी बिल्कुल जी, जी, बहुत सारी बातें उसके अंदर। अब जैसे मैं आपसे जिक्र करूं, ये जब हमने अपने गुरुओं से, अपने उस्तादों से सीखा, तो जैसे जो गायन है, एक तो बंधावा गायन होता है कि आपने एक गाना सीखा, जी उसका स्थाई है, अंतरा है, और आप उनको इतनी बार रिपीट करेंगे और वो मुकम्मल हो जाएगा। अब एक शास्त्रीय गायन है, उसकी जो तालीम है, जिसको हम कहते हैं कि वो खुला गाया जाता है, या रक्स है, उसके अंदर कहते हैं जी हम तो खुला नाचते हैं। तो हमने जो उस्तादों से सीखा, हमने इस तरह सीखा कि जब आप स्टेज के ऊपर बैठे हैं आप, तो वहीं पे हम दास्तानें बनाना शुरू करते हैं, वहीं पे कहानियां सुनाना बनाते रहते हैं, उसको घटाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। एक वाकया आपको सुना के फिर हिंदुस्तान से बाहर ले चलूंगा कि मैं MIT हापुड़ में, मेरी दास्तान गोई हो रही थी, और मैं मीर की दास्तान सुना रहा था कॉलेज में। मीर तकी मीर शायर थे, खुदाए सुखन। जी अब मैंने जी देखा कि सुनने वाले बच्चे तो बैठे हैं, मतलब स्टूडेंट हैं, उनके आगे असातिज़ा है, टीचर हैं, बच्चे अब खामोशी से मीर का शेर भी आया, तो कोई ज्यादा दाद नहीं, फरियाद नहीं, आ नहीं, फोहा नहीं, भाई ये हो क्या रहा है। तो मीर की दास्तान लपेटी और एक और दास्तान शुरू करी हमने, दास्तान ऐना। वो एक अंग्रेजन जासूस है जो हिंदुस्तान आती है और हिंदुस्तान में जासूसी करने के लिए आती है, लेकिन यहाँ उनको इतनी मोहब्बत, इतना एहतराम और इतनी अपनाइयत मिलती है कि फिर वो इस मुल्क के लिए अपनी जान दे देती हैं। इसकी वफादारी में वो खुद जहर पीती हैं, और वो आखिरी उनके खत में एक बात थी कि दुनिया ने मुझे गिरी नजरों से देखा, मेरे मुल्क के लोगों ने मुझे सिर्फ एक सामान समझ के यहाँ भेजा, और मैं बादशाहों के इस्तेमाल की एक चीज थी, लेकिन यहाँ मुझे इतनी इज्जत, इतना एहतराम, इतना अपनापन मिला, और मैंने इसलिए इसके साथ में वफा की और अपने मुल्क से गद्दारी की। गद्दार की सजा मौत है, और उस सजा को मैं खुद अपने हाथों से तस्लीम करती हूँ, और उन्हें जहर पी लिया। वो एक सच्ची दास्तान है। तो जब ऐना की दास्तान शुरू हुई, वो उसका हिस्सा नहीं था कि वो ऐना का जो पहला सीन है कि बादशाह जो है वो रेगिस्तान में बैठे हैं, ऐना आती हैं और वो रक्स करती हैं, उनके बाजू जो हवा में लहराते हैं और उनके बाल उनके शानों पे बिखरे, नीली नीली आंखें। अब जब ये शुरू हुआ, तो मैंने देखा कि जो बच्चे यूं बैठे थे वो जरा सीधे होके बैठ गए, और फिर जब वो जिक्र शुरू हुआ कि उन्होंने अपनी जुल्फे हवा में जो लहराई, तो मालूम होता था कि एक शहर तारी हो गया, और उस रेगिस्तान में वो ऐसा जादू था जिससे कोई बच ना सका। तो थोड़ी देर में सीटियां बजने लगी, बच्चे उछलने कूदने लगे, वो चीज थी। और जब आखिर में ऐना का वो जिक्र आता है कि उसने जहर पिया, तो मैंने आज तक देखा है कि लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो हमने स्टेज पे बैठ के दास्तानें कैसे बड़ी की जाए, कैसे छोटी की जाए, हम साइबेरिया शो करने के लिए गए थे, और वहां हमें मालूम नहीं था, वहां का एक रिवाज ये था, अब जो लोग आगे जाए थिएटर वाले, के लोग वहां पे रात को, जहाँ प्रोग्राम होना होता है, लोग अक्सर वहां पे आ जाते हैं और रात को वहीं ठहरते हैं, वहीं रुकते हैं, क्योंकि सर्दी इस कदर होती है कि वो बाहर जा नहीं सकते। तो हम 3 दिन के लिए गए थे, हमारी परफॉर्मेंस हुई पहले दिन,
फिर फोन आया कि आपकी आज भी परफॉर्मेंस है। हमने कहा हमारी तो कल थी। उन्होंने कहा नहीं, आप 3 दिन सुनाएंगे यहाँ पे। तो हम वहां पहुंचे, थोड़ी देर सुनाया। अब लोग वहां पे, जिसको हम बीन बैग कहते हैं, वो आराम से लेटे हुए हैं, सुनाइए सुनाइए और सुनाइए। तो एक ऑपरा सिंगर थी वहां पे, अनस्तासिया करके, जो उर्दू समझती थी, वो मेरी कहानी सुनने के बाद उसको गा के सुना रही थी। अब वहां पे लोगों ने कहा कि भाई हम तो और सुनेंगे, हम तो और सुनेंगे। तो वहां पे वो फन काम में आया। मैंने कहा कि ठीक है भाई, अब तुम्हें हम और सुनाते हैं। तो कहानी से कहानी मिलाते गए और सुनाते गए। और जब तीसरा दिन आया और फिर वहां से कॉल आई, तो अनस्तासिया थी, मैं था, हमारे एक और साथी थे पंजाब से। उन्होंने कहा भाई भाग लो यहाँ से। भागने का रास्ता नहीं है, जिंदगी का यही देखिए, आपके सामने जब इम्तहान, आप नहीं, मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ आर्टिस्ट के लिए, जब सामने इम्तहान आए तो उसको टास्क समझ लिया कि यही मेरा टास्क है और मुझे इसको हासिल करना है पूरा। तो आदमी उससे भागेगा नहीं, उसके सामने खड़ा होगा। ये मैंने अपने उन सफर से, जो मैंने हिंदुस्तान के बाहर किए, बैरून में किए, उनसे मैंने ये चीज सीखी। और बहुत अच्छी बात ये लगी कि मैं एक लोक कलाकार हूँ, कि जब और मुल्क में जाते हैं तो बहुत सारी बार जो नए किस्म की चीजें हो रही होती हैं, लोग उसको छोड़ के अपने बच्चों को वहां लेके आते हैं हिंदुस्तान के बाहर, और वो कहते हैं कि कुछ तुम्हें अपनी देश की कला संस्कृति, कुछ ऐसी दास्तान में और बातें सुनो, क्योंकि तुम लोग यहाँ दूर हो। तो उस तौर पे फिर एक चीज अच्छी लगती है कि लोग इतने दूर जाने के बाद अपनी जड़ों को तलाश कर रहे हैं। और ये अजीब है कि जो इन जड़ों के साए में बैठे हैं, वो ऊपर की फिजा में कहीं परवाज करते हैं। लेकिन कोई भी पेड़ कितनी ही बुलंदी तक पहुंच जाए, अगर वो अपनी जड़ों को छोड़ देगा, अपनी जड़ों को भूल जाएगा, तो वो अपनी मौत आप मर जाएगा। तो ये अपनी जड़ों से जोड़ने का सिलसिला है, ये अपनी जड़ों से लिपट के रोने की दास्तान है, ये वाह, अपने गुजर गुजरे हुए वक्त को फिर जिंदा करने की बात है, कि लोग जो जुदा हुए, जिनके दिल बिछड़े, उनको मिलाने की ये सौगात है। इसी का नाम दास्तान गोई है, और इसी का नाम दास्तान है, और ये दास्तान गो है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। शहजाद हुसैन साहब कहते हैं, कश्मीर से लिखते हैं, यकीनन एक और खूबसूरत एहसास दिला दिया आपने। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी लिखते हैं, सारे आलम में खुदाई ही खुदाई। और अशोक भौमिक जी लिखते हैं, जो आपके दिल के करीब हो वो नज़्म जरूर सुनाइएगा। भारती रैना जी लिखती हैं, लेजेंडरी एक्ट्रेस है, हमारे जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा नाम, लिखती हैं, आप तारीफ के मोहताज नहीं, आपको खुद नहीं पता है कि आपके अंदर खुदा है। वाकई वाकई बहुत बहुत खूबसूरत आपका कमेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। जमीर अशाई साहब कश्मीर से लिखते हैं कि दास्तान गोई बहुत ही मुश्किल काम है, साहिल जी इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। वाकई दास्तान गोई बहुत आसान नहीं है, दास्तान गोई काम, स्टोरी टेलिंग इज नॉट अ वेरी इजी जॉब, इट्स वेरी टफ। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, इतने खूबसूरत कमेंट हैं आ रहे हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी जी। अगर आप सुना सके जो आपकी दिल के करीब हो तो इनायत होगी जी। जरूर, एक बात कह के फिर सुनाऊंगा। देखिए, अगर कोई ये कहे कि गाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा, तो फिर कभी कोई नहीं गाना सीखेगा और ना सुनाएगा। तो जी हम ये कहते हैं कि दास्तान कोई बहुत ही आसान है। आप कोई भी दास्तान याद कीजिए, चाहे मेरी कर लीजिए, कॉपीराइट से बचिएगा, और लोगों की जब करें, मेरी तो नहीं है। तो नहीं, कल कभी कोई कर ले, कल को किसी की याद और वो सुनाए, फिर दंगा लो मेरे नाम पे। तो याद करिए और सुनाना शुरू कर दीजिए, और गाते गाते एक एक इश्क़े बुतां के ढोल से नफरत तो थी मगर, इश्क़े बुतां के ढोल से नफरत तो थी मगर, जब वो पड़ गया गले तो बजाना ही पड़ा। तो जब इंसान के गले में ढोल पड़ जाता है तो बजाना सीख लेता है। बिल्कुल शास्त्रीय गायन वालों को अगर आप देखें तो कहेंगे भाई ये तो बहुत ही मुश्किल है, कोई गा ही नहीं सकता। तो वो एक दिन में नहीं बने, धीरे धीरे करके शुरुआत कीजिए और करते जाएंगे और चीजें आती जाएंगी। तो इतना मुश्किल ना समझिए, लेकिन किसी भी चीज को माहिर होने के लिए तो जाहिर है रियाजत और इबादत और वक्त दरकार है। अच्छा, मेरे दिल के जो करीब है, मैंने सोचा था आखिर में सुनाऊंगा, लेकिन आखिर में आपको कुछ और सुनाऊंगा जो मेरे दिल के जी करीब है, बिल्कुल वो मैं आपको सुनाते चलूँ। इत्तफाक ये है कि ये भी हजरत निजामुद्दीन औलिया का वाकया है, जो मैं अभी मैंने सुनाए उनके, मैं कुछ और सोच रहा था, लेकिन ये मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। ये ईमानदारी की बात है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया एक सफर पे थे, उन्होंने देखा चंद भक्तजन अपने कांधे पे मूर्तियां रख कुछ
गाते जाते हैं। उन्होंने खुसरो से पूछा, हजरत अमीर खुसरो से, खुसरो मैं, ये लोग क्या गाते हैं, ये किसे याद करते हैं, किसे पुकारते हैं ये खुसरो? मेरे पीर, मेरे औलिया, ये लोग भजन गाते हैं और अपने ईश्वर को याद करते जाते हैं। वाह खुसरो वाह, इनकी पुकार कितनी सच्ची है, ये रब को पुकारते हैं। हर कौम रास्त राहे दीने वकबला गाहे। खुसरो ने सुना तो कहा, मन किबला रोस करदम बर समत कज कुलाहे। यानी कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने ये फारसी में कहा कि हर कौम हर मजहब के लोग अपने सीधे रास्ते पे हैं, वो किबले की तरफ चले चले जाते हैं। तुम किसी को बुरा ना कहो, तुम किसी को बुरा ना जानो। और हजरत अमीर खुसरो ने कहा, मन किबला रोज करदम समत कज कुलाहे, कि ये बात यूं मानने में तो बड़ी मुश्किल है कि मेरा एक अकीदा, मेरा एक ईमान कि हर शख्स सीधे रास्ते पे है, लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया की टोपी तिरछी थी, ये बात भी ऐसी ही तिरछी है, लेकिन मैंने ये बात मान ली। और इसी बात में इंसान की कामयाबी है, उसकी जिंदगी का रास्ता है कि हर कौम रास्त राहे दीने व किबला गाहे, मन किबला रोज करदम पर संत कज कुला है। तो यही जिंदगी का फलसफा है कि हर इंसान खूबसूरत है, हर फूल की अलग अलग खुशबू है, किसी को कोई खुशबू पसंद, किसी को कोई पसंद, लेकिन वो है तमाम अपनी जगह खूबसूरत। तो ऐसे बेशुमार किस्से, बातें, यादें हैं, और दिल वही करता है कि लोगों को सुनाए कि भाई ये इतिहास है, इसे पढ़ो, ये बहुत मजे का है, वाकई ये सबके दिलों को जोड़ता है। एक और मेरे दिल के करीब है, अब ये इत्तफाक है कि दिल के करीब है, ये हजरत अमीर खुसरो के मैं आपको सुना रहा हूँ। अच्छा देखिए, एक लोक कलाकार, एक शायर, एक राइटर की हम सोचते हैं कि उसका ये वजूद होगा, लेकिन वजूद ये कि बादशाह खुद दरवाजे पे आए। और ये सच्चा मैं आपको वाकया सुना रहा हूँ कि हजरत अमीर खुसरो अपने घर में मौजूद हैं, आधी रात का वक्त हुआ, चाहता है कि दरवाजे पे दस्तक हुई। खादिम, जरा देखो कौन आया है। खादिम ने देखा कि दिल्ली का बादशाह खिजर खां दरवाजे पे मौजूद है, इसे तो कुछ नजर नहीं आता है। खादिम दौड़ा दौड़ा अंदर आया, हजरत अमीर खुसरो को बताया, खुसरो दरवाजे पे गए, खिजर खां का हाथ पकड़ अपने करीब बैठाया और अर्ज किया, हुजूर आधी रात को मेरे गरीब खाने पे हुक्म करते, मैं खुद हाजिर हो जाता। खुसरो मैं तुम्हें क्या बताऊं, देखो मेरे भाई ने मुझे अंधा कर दिया, वो बादशाह की चाहत में अपनी बिनाई खो बैठा है, उसे अब कोई रिश्ता नजर नहीं आता। खुसरो तुम जानते हो मैंने बिया किया देवल दी, गुजरात की राजकुमारी, अब वो मुझ पे इल्जाम लगाता है कि मैंने उसको उसके मजहब पे रखा, यही मेरा जुर्म है। खुसरो मैं ये मोहब्बत नामे लाया हूँ, मेरे और देवल दी को लिखे खत, तुम दास्तान लिखो इसकी, कि मुझे यकीन है रहते जमाने तक लोग जरूर पढ़ेंगे और याद करेंगे कि हमने मोहब्बत की इंसान से। हजरत अमीर खुसरो ने वो खतूत अपने पास रख लिए और उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, आपका हुक्म सर आंखों पे, मेरी खुशनसीबी, लेकिन दास्तान की यह मजबूरी है कि उसका अंजाम ऐसा हो कि लोग उसे देर तक याद रखें और वो कभी लोगों ने सुना ना हो, कभी लोगों ने जाना ना हो, कभी किसी के ख्याल और गुमान से भी ना गुजरा हो। मेरी दुआ है खुसरो कि तुम्हें दास्तान का ऐसा ही अंजाम मिले और लोग इसे पढ़े देर तक। खिजर खां वापस लौटे महल में, कि रात हुई और जल्लाद आए, जल्लाद ने आ फरमान पढ़ा, खिजर खां, वक्त के बादशाह ने तुम्हारे लिए ये हुक्म भेजा है कि तुम देवल रानी को हमारे हवाले करो, कि हमें यकीन है तुमने जो जुर्म किया है
देवल रानी ने तुम्हें उसके लिए उकसाया है, और देवल रानी मौत की सजा के लिए चुनी गई है। नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं उकसाया, ये मेरी अपनी चाहत थी। तुम मुझे ले चलो, मैं देवलानी तुम्हें नहीं दूंगा। अगर खिजर खां इनकार करें तो हुकूमत का हुक्म ना मानने वाला गद्दार है, और गद्दार की सजा मौत है। खिजर खां को इस बात से आगाह किया जाए कि खिजर खां ने यह सुन देवल रानी को अपने सीने से लगाया। देर हुई, जल्लाद खींचते रहे, घसीटते रहे कि तंग आ एक जल्लाद ने तलवार उठाई और जो भरपूर वार किया तो एक वार में दोनों की गर्दन कट जमीन पे आ गिरी, दोनों का खून एक हो गया और इस हिंदुस्तान की मिट्टी में मिल गया कि हमेशा हमेशा इस लहू से गुल खिलते रहेंगे। हिंदुस्तान जन्नत निशान रहेगा कि यही हिंदुस्तान का सरमाया है। खुसरो ने सुना तो बहुत रोए, बहुत रोए और देर तक रोए। उन्होंने कहा कि जुबान से कहना तो दूर, मेरे दिल में भी ये क्यों ख्याल आया कि इस दास्तां का तो ऐसा अंजाम नहीं जिसे दुनिया सुने। मैं यूं कहूंगा कि इसे हर कोई सुने, हर कोई जाने कि हिंदुस्तान जन्नत निशान है। बड़ी कुर्बानियों से मिला है जन्नत सा वतन हमको, बड़ी कुर्बानियों से मिला है जन्नत सा वतन हमको। होशियार चमन वालों, जहन्नुम ना बना लेना, जहन्नुम ना बना। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, लफ्ज छोटे पड़ गए, बहुत खूबसूरत। जोगिंदर हाँ, सिंह ये बदराल इसके लिए बत्रा लफ्ज जी छोटे लिखते, पड़ जाने चाहिए क्योंकि यह हजरत अमीर खुसरो का लिखा है। वाकई वाकई लिखते हैं कि इनकी हर एक बात दिल पर लग रही है। क्या बात, जमुना अय्यर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं बेमिसाल। संध्या गुप्ता जी जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हैं, फैशन डिजाइनर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, लिखती हैं सुपर्ब। हरविंदर कौर बबली जी हमारे साथ जुड़ी हैं, मस्कट से हैं और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, लिखती हैं वाह आज की गेस्ट तो माशाल्लाह कमाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हरविंदर इतनी खूबसूरत बात कहने के लिए। प्रोफेसर जयदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, प्रोफेसर हैं, एडुकेशनिस्ट हैं, लिखते हैं सिंपली आउटस्टैंडिंग। वाकई सर सिंपली आउटस्टैंडिंग, बहुत शुक्रिया। भारती रैना जी लिखती हैं गॉड ब्लेस यू। हरविंदर कौर बबली लिखती हैं वाह क्या अंदाजे बयां है आपका, वाकई। भारती रैना जी लिखती हैं ग्रेट मोमेंट। वाकई ये सवाल तो मैं भी इनसे पूछती हूँ। इंद्रजीत सिंह भाटिया सर ने आपके लिए एक सवाल लिखा है, आपकी स्क्रीन पर है, लिखते हैं साहिल आप दास्ता गो हो या उससे भी कुछ ऊपर हो, क्या बात है, क्या कहेंगे। कि मैं तलाश में हूं उस मंजिल की, काश मुझे मिल जाए। दूर से नजर आता है गुबार जिसका, काश वो कभी मेरे करीब आए। तो वल्लाह दास्तान गो बनने के रास्ते पे हैं, दुआ कीजिए आप सब लोग के दास्तान गो बन जाए, क्योंकि दास्तान गो तो एक बहुत आला मर्तबा है। अभी हम उसकी नकल कर रहे हैं और वो पता नहीं कैसी टूटी फूटी कर रहे हैं। मैंने अपने कमाल हैं बचपन आप, में बेहतरीन दास्तान को सुने, इसलिए दुआ कीजिए आप सब लोग एक दिन हम बन जाए। कमाल हैं आप, कमाल हैं। असमा रहमान लिखती हैं साहिल साहब बेस्ट दास्तान को। मैं चलते चलते आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, आप राइटर भी हैं, आप अदाकार भी हैं, आपने बाकायदा ट्रेनिंग ली है थिएटर की, तो राइटिंग ने कितनी हेल्प की आपको इस फन में। देखिए, मुकम्मल दास्तान को बनने के लिए राइटिंग का स्किल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम जब सिखाते हैं बच्चों को तो उन्हें बताते हैं कि आप ऑन स्टेज बैठ के दास्ताने किस तरह बनाएं। क्योंकि हर इसकी खूबसूरती यह है कि एक दास्तान आपने कहीं पढ़ी, एक वाकया है, जब एक दास्तान को सुनाएगा तो कुछ उसके लफ्ज होंगे, कुछ बातें होंगे, कुछ आशार होंगे। जब दूसरा सुनाएगा तो कुछ उसका अंदाज होगा, वाकया वही होगा और वही उसका जायका है। जैसे शास्त्रीय गायन है, आप राग दरबारी या राग कोई सा भी आप सुने तो अलग अलग लोग, नोटेशन वही होगी लेकिन जायका अलग अलग होगा। उसका सुन के जो मिठास है वो हर एक अपनी मिसरी घोलेगा उसके अंदर। तो राइटिंग से फायदा ये हुआ कि हम जब ऑन स्टेज बैठ के कहानियां बनाते हैं तो वो गिरफ्त होती है हमारी उन लफ्ज के ऊपर, उन अल्फाज पे, उन जुमलों पे, उस वाकयात के ऊपर, कि हम उसको
कहानी को कहीं भी बड़ा कर सकते हैं, कहीं भी छोटा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दास्तान को जो भी शख्स का खुद लिखा हुआ होता है वो खुद उसके साथ में जुड़ जाता है, वो उसके अपने लफ्ज होते हैं, अपने अल्फाज होते हैं। और हम भी जब सिखाते हैं तो हम नहीं कहते कि आप 100% स्क्रिप्ट को याद कीजिए जैसे थिएटर में होता है, क्योंकि एक अलग फॉर्म है। तो आप उसका एसेंस ले लीजिए, उसकी खुशबू महसूस कर लीजिए, स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, जो उसका खाका है उसको समझ लीजिए। अगर शुरुआत है तो 80% दास्तान याद करिए, 20% अल्फाज अपने रखिए, चेक करा लीजिए किसी से कि सही है कि नहीं। तो उसमें जब आप ऑन स्टेज सुना रहे होते हैं, क्योंकि आपके अपने लफ्ज हैं, आपका एहसास है, जज्बा है, वो लोगों तक ट्रांसफॉर्म होता है, वो लोगों तक जाता है। यही अदाकारी की, एक अदाकार की खूबी है। एक तो है जाहिरी, जो जाहिर नजर आ रहा है आपको, मेरा चेहरा, लिबास, बनावट, प्रॉपर्टी। और एक होती है रूहानियत। तो रूहानियत जो है ये दरअसल रूह का फन है, कि जब मैं कोई बात बोलूं तो वो आप तक उसी रूहानियत से पहुंचे। और ये तभी मुमकिन हो पाता है जब गाने वाले के अपने सुर हों, रक्स करने वाले के अपने कोई अंग हों, दास्तां सुनाने वाले के अपने कुछ लफ्ज हों। तो राइटिंग स्किल अगर कोई मुकम्मल तौर पे दास्तां गो बनना चाहता है उसके लिए जरूरी है। नहीं तो आप स्क्रिप्ट लें किसी की, उसे याद करें और उसको सुना दीजिए। मेरी जिंदगी में मुझे फैज हुआ है यकीनी तौर पे, इसलिए मैं लिखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ। क्या बात, सुभाष गुप्ता सर हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन निर्देशक हैं, सिनेमा में भी उन्होंने ऑफबीट फिल्में डायरेक्ट की हैं, रंगमंच के बेहतरीन कलाकार, रंगकर्मी, बेहतरीन निर्देशक, राइटर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लिखते हैं सुपर्ब, वन शुड नो द हिस्ट्री ऑफ आर मदरलैंड, दास्तां गोई इज डूइंग ए फैबुलस सर्विस, दास्तां गोई इज डूइंग ए फैबुलस सर्विस टू द फेलो कंट्रीमैन, स्टे ब्लेस्ड। बहुत बहुत शुक्रिया सर। राजीव नयन हमारे साथ जुड़ते हैं, जुड़ चुके हैं, लिखते हैं बहुत सुंदर। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी लिखते हैं बहुत आशीर्वाद। भारती रैना जी लिखती हैं खुद को तराशा फरिश्ता बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी। जमीर अशाई साहब लिखते हैं आप ग्रेट हैं, अल्लाह सलामत रखे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते आप मतलब क्या कहना चाहेंगे, मैं खुद इतनी, मेरे पास तो लफ्ज ही नहीं है कि मैं कुछ बोलूं, इतना इतना खूबसूरत आप बोल रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते, कोई खास बात? चलते चलते मैं आपको आखिर में एक 2 मिनट का टुकड़ा सुनाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। बात यही कहना चाहूंगा कि भाई हम लोग कलाकार हैं। और अच्छा, आपको चलिए टुकड़ा बदल के दूसरा ही सुनाते हैं, एक और कलाकार, एक और राइटर का सुनाते हैं आपको। सुनते रहिए, अच्छी ना लगे फिर भी सराहते रहिए, क्योंकि खास तौर से दास्तान गो, कथावाचक, किस्सा गो, व्यासा तो अब खत्म ही हो गए तकरीबन, या पांडुनी वाले, इस तरह की बहुत सारी अलग मुख्तलिफ कलाएं हैं जो अब खत्म हो रही हैं। और मुझे याद आती है बात बहुत ज्यादा, हम मॉस्को में थे, वहां पे ओरल स्टोरी टेलर्स का एक समिट था, पूरी दुनिया से आए थे, और एक बहुत बूढ़ी खातून थी साउथ अफ्रीका से, उन्होंने एक बात कही थी कि हमारी लोक कलाएं, जिस मुल्क के भी लोग हैं उनकी लोक कलाएं, उनकी परंपराएं, हमारा फोक ही हमारा आइडेंटिफिकेशन है, हमारा आई कार्ड है, हमारी बिल्कुल शनाख्त है। अगर हम इसको खो देंगे, इसको बदल देंगे, हम दूसरों के जैसे हो जाएंगे। दूसरे बहुत अच्छे हैं, हम भी लेकिन अच्छे हैं। अगर हम दूसरों के जैसे हो जाएंगे, खुद को भूल के और छोड़ के, तो हमारी आइडेंटिफिकेशन, हमारा वो शिनाख्त खत्म हो जाएगी। अपनी जड़ों से इसलिए जुड़े रखिए कि यही आपका पासपोर्ट है, यही आपका आधार है, इसी के आप अधीन है और इसी से आप पहचाने जाएंगे, इसी को बचाना इसी की मेहनत है। तो खैर, ये तो बड़े एक उपदेश वाली बात थी, लेकिन मेरे दिल के बहुत ही करीब है जी और ये उनके लफ्ज थे जो मैंने आपको सुनाए। कुछ और बात आप कहना चाहें तो हुक्म कीजिए, फिर मैं आखिर में आपको वो टुकड़ा सुना दूंगा। आप कुछ कहना चाहें अपनी तरफ से, खास तौर पे जो आज की नई नस्ल है उनको कुछ कहना चाहें, आप क्या कहेंगे? ये एक अगर कोई कमेंट इस आया सवाल से अनुपम, जुड़ना चाहे तो क्या कहेंगे आप? अच्छा जी, मैं दास्तान गोई से अगर कोई जुड़ना चाहता है तो बहुत ही आसान है, हम सिखाते भी हैं, हमसे जुड़ जाए आके। और अगर आप हमसे ना जुड़ना चाहें तो फिर आप हमारी जो दास्तानें हैं उनको सुन लीजिए, और बहुत आसान है, उनको सुनिए, पूरी मत याद कीजिए, 10 मिनट की कर लीजिए और 10 मिनट की लोगों को सुनाइए, और लोग ना सुने तो पकड़ पकड़ के सुनाइए उनको, क्योंकि शुरुआत जो है इब्तदा यहीं से है। उनको चाय पिलाइए और उनसे कहिए कि जरा 10 मिनट की हमारी सुन लीजिए, उसका रियाज करते रहिए,
जब लोग उसको सुनने लगे, दिल लगा के, या लोग कहें कि हाँ भाई अब मजा आ रहा है, तो 10 मिनट से फिर 20 मिनट कीजिए, अच्छे दास्तान को जो है उनको देखिए, कोशिश करिए कि शुरू में आप उनको कॉपी करिए, बाद में आपका स्टाइल खुद पैदा हो जाएगा, किसी की तरह ना बनिए, खुद अपनी तरह बन जाइए। तो क्या बात, ये एक क्या आसान बात, तरीका है कि थोड़ी याद करिए, थोड़ा थोड़ा सुनाइए, सुनाते रहिए, और गुल से गुलशन और गुलशन से गुलफाम होता जाएगा, लोग क्या कहीं बात। खींचे रहेंगे, लोग अनास आपको खान देखेंगे। साहब जुड़े हैं, लिखते हैं कि आप एक विलुप्त विधा को जिंदा, आपने एक विलुप्त विधा को जिंदा किया है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। डॉक्टर सरला जी मेहता लिखती हैं, सच में लफ्ज नहीं बचे अब, किस किस की तारीफ करें। वाकई डॉक्टर सरला मेहता। और सुचित्रा गुप्ता जी लिखती हैं कि लेट ज्वाइन किया आपने, वाकई लेट ज्वाइन किया, आज बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन आपने मिस किया। भरत सोपुरी जी लिखते हैं कि वेद थिएटर ग्रुप अंबाला की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं अर्ज कर दूं, अनस खान साहब ये खुद दोहा गो है, दोहा एक कहने की कला थी, परंपरा वो खत्म हो गई है, हिंदुस्तान में बहुत ही कम है। मेरी बड़ी खुश नसीबी आप सब लोग तशरीफ लाए इस जराए से, आपने सुना, बर्दाश्त किया, ये मेरी खुश नसीबी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का। दास्तानें सुनते रहिए, दास्तान गोई पसंद फरमाते रहिए, हमारी कला हमारी संस्कृति कोई कमी कोई खामी हो तो नजरअंदाज कीजिएगा, मुआफ कीजिएगा, सीखने के दौर में है, उस मरहले में है, आपकी मोहब्बत और दुआओं की जरूरत। अब चलते चलते आप लोगों को एक छोटा सा टुकड़ा सुनाते चलें कि एक काव्य है जो दुनिया का सबसे अजीम काव्य कहलाए है, नाम उसका शाहनामा फिरदौसी जुबां पे आए, ये वाह, लिखने वाला उसका फिरदौसी, उसने जो अपने मुल्क से मोहब्बत की, तो उसके बारे में चंद फूल और बूटे यूं सजाए कि उस दौर के बादशाह ने जो सुना तो उसको अपने दरबार में बुलाया और बादशाह यूं इरशाद फरमाए हैं, फिरदौसी तुम बड़ा ही खूबसूरत लिख रहे हो, तुम इसको मुकम्मल लिखो और हर आशार के बदले, हर शेर के बदले हम तुम्हें एक सोने की अशर्फी देंगे। फिरदौसी जरा ये ख्याल रखना, हम इस मुल्क के बादशाह हैं, ये मुल्क इतना खूबसूरत है, लाजमी हमारा जिक्र भी आए, हम तुम्हें सोने की अशर्फी देंगे फिरदौसी, जाओ और जाके लिखो। फिरदौसी आए और वो लिखते रहे कई बरसों तक के, बरस गुजर गए 35, और 60,000 से ज्यादा आशार उन्होंने इरशाद फरमाए फिरदौसी ने लिखे, कि ये बरस जो गुजरे फिरदौसी लिख उसे बादशाह के दरबार में पहुंचे, उसके सामने जो पहुंचे तो बादशाह ने देखा फिरदौसी का हाल, ये फटा सा हाल, शायर का हाल बहुत खराब है, इसे तो मैं चांदी की अशर्फियां दे दूं तो भी काम चल जाएगा। फिरदौसी तुमने बहुत उम्दा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, 60,000 चांदी ये अशर्फियां इनायत की जाए। फिरदौसी ने यह सुना तो सुन के इनकार किया और अपने घर को वापस आया, वापस आ उसने चंद आशार और लिखे, दो चार लिखे कि जिसमें बादशाह की हकीकत बयान की और वो इस कदर आम हुई कि जन जन की जबान हुई। बादशाह को ये बात जो मालूम हुई कि उसके दरबारियों ने कहा, हुजूर फिरदौसी के वो आशार आवाम गाती है, गुनगुनाती है, सुनाती है, आपकी किस कदर खिजलत और जिल्लत सी हुई जाती है, आप फिरदौसी को दरबार में बुलाएं और उसे कुछ समझाएं कि फिरदौसी के दरवाजे पे वजीर पहुंचे और पहुंच फिरदौसी से कहा, ये क्या हिमाकत की है तुमने फिरदौसी, ये जो तुमने चंद आशार लिखे हैं बादशाह के लिए, इनको अपने हाथ से फाड़ के फेंक दो, तुम्हें मालूम है तुमने ये क्या किया है, मैं फाड़ के फेंक दूं, वो आशार अब मेरे नहीं, वो तो इस मुल्क के इस आवाम के हैं, इस वाह, शायर कह चुका वो अब आवाम का हुआ चाहता है। फिरदौसी तुम्हें मौत का खौफ नहीं, तुम जानते हो वो बादशाह है, तुम क्या हिमाकत की बातें करते हो, मौत एक
लेखक शायर कलाकार की मौत तो जब तक नहीं आती, जब तक उसका कहा सुना किया जिंदा रहता है। मेरे आशार इस आसमान में चमकते सितारों की तरह हैं कि जब तक ये सितारे जगमगाते रहेंगे मैं यूं ही जिंदा रहूंगा। जाओ और जाके अपने बादशाह से कह दो। वजीर वापस लौटे बादशाह के पास। बादशाह मजबूर हुए और आखिर एक गाड़ी में अशरफियां लादी, फिरदौसी के दरवाजे पे पहुंचे। गाड़ी अशरफियों से लदी हुई और इधर जो दरवाजे पे पहुंचे तो उधर से फिरदौसी का जनाजा आता था। सब बड़े परेशान हुए। फिरदौसी की एक ही बेटी थी कि उन्होंने बेटी से कहा कि तुम्हारा इस कदर जो बुरा हाल है ये तमाम सोने की अशरफियां रखो और इन चंद आशार को अपने हाथ से फाड़ फेंको कि दुनिया मान जाएगी तुम कहना। फिरदौसी अपने हाथ से इन्हें जाया कर गए थे। वो चाहते थे अब कोई ना सुने कोई ना पढ़े, बस तुम इतना काम कर दो। फिरदौसी की बेटी ने कहा कि उन्होंने जो लिखा वो आसमान में चमकता वो महताब है कि जिसका नूर हमेशा कायम रहेगा, दुनिया पढ़ती रहेगी और जानती रहेगी। तुम्हारी दी ये सोने की अशरफियां, खा ये मुकम्मल खजाना हो, बादशाह की रियासत हो या पूरी दुनिया हो, ये एक दिन फना और खाक हो जाएगी। शायर की कही बात, दास्तां गो का कहा जुमला और तख्लीक कार की तख्लीक हमेशा कायम रहेगी। दुनिया सुनेगी और सुनाएगी कि आज वो लोग मौजूद नहीं मगर उनके किस्से उनकी दास्तानें मौजूद हैं, जिन्होंने इबादत रियाजत रियाज और फन से मोहब्बत की कि यही मोहब्बत का अंजाम है कि लोग देर तक सुने और सुनाएं, महफिलें सजाएं। शुक्रिया बहुत बहुत काजल सूरी जी आपका, जिन लोगों ने सुना ये खूबसूरत महफिल में आपने मौका दिया, मैं बेहद शुक्रगुजार हूं। और दास्तान गो के बारे में मशहूर है कि वो बाज नहीं आते, वो सुनाते रहते, बहुत सुनने वाले सुंदर। चाहत से जब तक सुनते रहे। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपका, तमाम सामाईन का, इस मंच का। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जोगिंदर सिंह लिखते हैं, बहुत खूब जनाब, जितनी भी तारीफ करें आपकी उतनी ही कम है। डॉक्टर सला मेहता लिखती हैं, माशाल्लाह, वाकई बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आगा साहब आपका, तहे दिल से शुक्रिया हमारी इस महफिल में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, आदाब। शुक्रिया। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं सभी का, हमारी हौसला अफजाई के लिए और इस शाम को और खूबसूरत बनाने के लिए। हमारे जो स्टोरी टेलर थे, दास्तान गो थे, इतने कमाल के साहिल आगा साहब, बहुत कमाल की आज का सेशन रहा। और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और जिस तरह से आज शनिवार है और हर शनिवार को हमारी एक म्यूजिकल इवनिंग होती है, आज भी है शनिवार की तरह 8:30 बजे मेरे पेज पर। और आज हमारे साथ जुड़ेंगी बेहतरीन क्लासिकल सिंगर हैं, शी इज ट्रेंड क्लासिकल सिंगर, बहुत कमाल की मखमली आवाज की मलिका अगर मैं उनको कहूँ, तो आज हमारे साथ जुड़ेंगी रात को 8:30 बजे। पूनम चौहान जी हमारे साथ जुड़ेंगी, तो इंतजार रहेगा आपका भी इस म्यूजिकल इवनिंग में। तो रहिएगा हमारे साथ, हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। रात को 8:30 बजे म्यूजिकल इवनिंग में मिलते हैं पूनम चौहान जी के जिसे और उनकी खूबसूरत गायकी का आनंद लेते हैं, उसमें सराबोर हो जाते हैं। मिलते हैं 8:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।